कल्याण से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। कल्याण खड़कपाड़ा इलाके में रहने वाले निवासी नितेश पाल ने 9 महीने पहले उत्तर प्रदेश में 20 वर्षीय लड़की से शादी की थी। ये दोनों कल्याण पश्चिम के कोलीवाली रोड इलाके में रहते हैं। नितेश बेकरी के काम से बाहर गया हुआ था और अपने काम से उसे समय समय पर बाहर जाना पड़ता है। कल शाम जब नितेश काम से बाहर था तब उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। तभी एक अज्ञात इंसान खिड़की के रास्ते घर में घुसा और उसकी पत्नी पर गर्दन और हथेली पर चाकू से वार कर दिया। नितेश की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई और उसने मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े। कुछ लोगों ने नितेश को उसकी पत्नी पर हुए हमले की जानकारी देते हुए कहा कि तुम्हारी पत्नी को कोई पीट रहा है। जब तक वो भागकर घर आया तब तक हमलावर फरार हो चुका था, लेकिन उसकी पत्नी जमीन पर घायल होकर पड़ी हुई थी। काफी खून भी बह रहा था। नितेश ने अपनी पत्नी को उठाया और इलाज के लिए पास के अस्पताल में ले गया। पत्नी की हालत गंभीर है और इलाज चल रहा है। इस मामले में खड़कपाड़ा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है और आरोपी को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस तरह घर में हुए इस हमले से इलाके में रहने वाली महिलाओं में डर का माहौल पैदा हो चुका है। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि पुलिस गश्त बढ़ाए। पुलिस ने क्या कहा सुनिए। आज दिनांक रात्रि 11:30 के सुमारास एक महिला घरामध्ये असताना तिच्या मागच्या खिडकीची खिडकीने प्रवेश करून एक इस्माने तिच्या मानेवर वार केले अशी आम्हाला खबर मिळाली आहे। आमचे खडकपाडा पोलीस स्टेशनचे अधिकारी त्वरित घटनास्थळी गेले। त्या महिलेला वैद्यकीय उपचार केले व त्यांनी माहिती घेत असता आमच्या तपासात असे निष्पन्न झाले की घटनास्थळी एक आम्हाला संशयित चप्पल मिळाली। त्या चप्पलवरनं आम्ही त्या आरोपीचा शोध घेतला आणि तो कोणत्या भागात असेल, कुठे असेल याची माहिती काढली असून त्या आरोपीला आम्ही 1.5 तासाच्या आत अटक केलेली आहे। सध्या मेडिकल ट्रीटमेंटवरती महिला असल्यामुळे पुढील तपास तिच्याकडे करायचा बाकी आहे। आमचा तपासामध्ये जसं निष्पन्न होईल त्या पद्धतीने अजून आम्ही त्याच्यामध्ये काहीतरी कर्म वाढवायची शक्यता आहे। आरोपीचा गुन्हा घडल्यावर आम्ही आरोपीचा शोध घेतच होतो। घेत असताना आम्हाला घटनास्थळी आरोपीची एक वस्तू सापडली। त्या वस्तूचा आम्ही कोणाची असेल याची पाठपुरावा केला। तर ती आम्हाला एका आरोपीच्या पकडण्यापर्यंत घेऊन गेली। ती आम्हाला त्या चपलेवरनं आरोपीचा सुगावा लागला।